Thank <laughs> you.

आई रिमेम्बर जब मैंने ओरिजिनली वो कहना मुझे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बोला था कि अवैध इर्शाद भट्टी को लेकर आए तो मैंने अपना वादा पूरा किया बट उसी के साथ साथ मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ रहा था एंड इट्स जस्ट बेन रोलर कोस्टर राइड नॉर्मली होता ही है कि वैन आई टॉक टू अर सी एस एस ऑफिसर विट जनरली टॉक अबाउट सी एस एस बैन ऑल्सो वन टॉक अबाउट लेट्स टेक यू बैक टू ओ लेवल्स यू ग्रेजुएटेड फ्राम बी के नाउस डिफेंस एंड देन यू वेंट टू एच एस एंड देर स्टोरी बिहाइंड दट वट वट वज दैट स्टोरी सो द स्टोरी बिहाइंड माई फादर मेरे अबू हमेशा से चाहते

ने कहा जिधर भी जाओ जिंदगी में इस शहर में नहीं आना तुमने पढ़ने के लिए <laughs> और कुछ पता नहीं हुआ तो जो है ना उधर मुझे जो है ना गॉड जो है

कि right. जहां से आप जो है ना एकदम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी लोअर कॉस्ट के अंदर शुरू कर सकते हैं लोग हम हर जगह यार पढ़ने जा रहे हैं और मैं स्वीडन जाता हूँ बाकी जगह जब मैं किया था तो मैंने देखा हर एक जगह पाकिस्तानी जो स्टूडेंट बेस है ना वो काफी बढ़ती जा रही uh, uh, well mm. mm. है तो दैट इज गुड साइन ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं

और आई यूज़ टू गो टू स्टूडेंट हॉस्टल्स मैं जान के होटल्स में नहीं रहता था स्टूडेंट हॉस्टल right. में और मैं जाता भी अकेले था uh. तो अकेले जाके बहुत सारे लोग सोचते हैं आप अकेले जाते तो अकेले ही रहते हैं लेकिन uh. ऐसे नहीं होता आप अकेले जाते तो वो पूरी दुनिया के दोस्त आपके बन जाते हैं और right. वो लोग जो है ना दो तीन दिन के लिए आपको पता है कि वह सारे आपके साथ हैं और बहुत जो है ना आपको फ्रीडम होती है आप जिस मर्ज़ी तरह से घूमना चाहें तो एक दफ़ा मैं बर्लिन गया था आई रिमेम्बर और उधर की म्यूज़ियम्स इतने अच्छे हैं कि जो है ना मैंने पूरा दिन जो है उधर ही लगा दिया मुझे मैं सोच रहा था कि अगर कोई पाकिस्तानी मेरा दोस्त होता तो सवाल ही पैदा ना होता

ंड <laughs> So and I, transfer, I transferred um, While you were uh, in college Absolutely uh, UC Berkeley, California UC Berkeley Bekul. So did you transfer there In total years Four years okay the, or three years? Yeah, three, three years Because the parent university Was Utrecht After that I spent a year Almost in, in Berkeley uh, And then graduation Came in Utrecht Okay But that one year That I spent in California Amazing Amazing experience uh, So what was that all about? Like what was the program And uh, what were you doing? Yeah, then? it was um, So it, the same Bachelor's in economics That's he I transferred था लेकिन अम, अमेरिका का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है अमेरिका mm -hmm. का ना right, 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 right. तो uh, क्या करना चाहता हूँ हर किस्म के मैंने कोर्सेज लिए और फिर उसके बाद मैं डिवेलपमेंट इकनॉमिक्स जो है जिसमें मैंने इवेंचुअली मास्टर्स किया जो पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग शायद उसकी वजह से आज जो है बैठा हूं तो वो उसने मुझे जो है ना वो

Uh, and we're gonna uh, come towards Cambridge because <laughs> he's like, this guy is in a 200-kilometer <laughs> <city>. It's so <laughs> exciting talking to him. But, so, so uh, you, you know, you know, UC Berkeley, saal lagaya, saal came lagaya? back to your university. Where yeah. graduation. graduated. Graduation, me. Me. graduation. Um, pehle you were also playing cricket over there. Yes, I was. I right, was. professional cricket. And I also want, want to understand, Mera recently I had just had a son and I was talking to my wife the other day, other day. वी वर डिस्कसिंग हमने ना उसके साथ क्या क्या करना ना हमने उसको यू नो पियानो सिखाना है हमने उसको जो है ना आर्टिस्ट बनाना है हमने उसको जो है ना यू वॉन्ट ऑल्सो वॉन्ट के वो अच्छे पढ़ पढ़ाई करे बट साथ साथ हम चाहते हैं स्पोर्ट्स में ही बने mm -hmm. और मैं सोचा मैं एक, एक इंसान कैसे हो सकता है आज मिल रहा है कैसे इंसान से इसने कोई चीज नहीं छोड़ी सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट लाइक यू हैव अ पैशन फॉर म्यूजिक यूर सिंगर प्लेंग द गिटार यू प्लेंग इंस्ट्रूमेंट योर यूलो ट्रैवलिंग रेगुलरली यू आर ऑल्सो स्टडिंग प्रॉपरली एंड देन यूर ऑल्सो प्लेंग प्रोफेशनल क्रिकेट एंड 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 टू स्टार्ट एड ऑफ वट वज द प्रोफेशनल क्रिकेट वाली इंगेजमेंट यार बेसिकली ऐसे था कि हमारी जहाँ यूनिवर्सिटी थी हॉलैंड के अंदर क्रिकेट का सीन ऑबसली उस तरह इंग्लैंड और बाकी जो ना जगहों तक उस तरह से नहीं है बट नंद था कि हमारी यूनिवर्सिटी थी और उसके साथ एक काउंटी थी सरप्राइजिंगली right. जो है ना और बहुत अच्छी जो है उसकी फैसिलिटीज़ थी कोचेज थे सब कुछ था तो वो उनकी जो इंटरनल काउंटी क्रिकेट जो है ना उसकी एक वो थी और उधर जो है मैंने जाके ऐसे ही एक दिन जो है ऑडिशन दिए तो मैं लेग स्पिन कराता था लेग स्पिनर्स स्पिन बहुत कम होते हैं क्योंकि ये बड़ा साउथ एशियन चीज़ होती है तो वो मैं मैंने कराई तो जो है एक दो विकेट्स जो है ना निकल आई उधर ही तो कोच बड़ा इंप्रेस हो गया कोच है कहा आपको खिलाना है हमने और इस तरह से मैं खेलना शुरू

छोटी बहन है और जो है उसमें यह था कि सारे के सारे जो है ना एज एज गैप कम है तो right. हर टाइम एक घर में कभी टेबल टेनिस हो रही है कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल कभी बैडमिंटन कभी कुछ और हर चीज़ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कम्पटिटिव है लाहौर में तो आपको पता है कि गली की क्रिकेट बहुत ज्यादा होती हाँ, है बिल्कुल, तो बिल्कुल. वो अल्ट्रा कम्पटिटिव है तो आप हार नहीं सकते तो इस वजह से जो है ना आप हमेशा उसमें रहते हैं और यही चीज़ आपको जो है ना कॉम्पिटिशन आपको फीफा से लेकर क्रिकेट तो सब सिखा देती है

और आई एम द ओनली वन आई एम द ओनली वन हियर मेरे के मेरे के तीन भाई और तीनों के तीनों भाई यूएस में आई एम द ओनली वन जो के पाकिस्तान में बहुत रिस्पांसिबिलिटी डाल देता है यार <laughs> 100% अच्छा <laughs> सो so, रैंडम uh, होती है तो हमेशा mm. सोचता था कि जब हॉलैंड आया था तो मैंने कहा यार ये बेस्ट मुल्क है इतना खूबसूरत है इधर ही रहेंगे यही मैंने डच सीख ली right. और जो है काम करना शुरू किया कि यही जिंदगी है right. उसी टाइम जो है बैकली का एडमिशन आ गया आउट ऑफ थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स उन्होंने थे जाना तो पड़ेगा

मैंने कहा अब ये आ गया तो अब इधर तो नहीं छोड़ूंगा एनसीबल right. ले लीजिए मैं कैमरेज गया तो मैंने सोचा लाइफ तो यही है लेकिन जो है लाइफ आपको कोई पता नहीं होता कहाँ ले जाती And है आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर यू आर रेडी टू टेक दैट चेंज एज वेल बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वी गेट स्टक इन कैर बस ये तो मेरी मैजिकल चीज थी और बस यही बिकॉज यू कुड हैव स्टेड इन लॉट ऑफ डिफरेंट एरिया दैट इज वेरी ट्रू राइट बट यू आर यू यू चोज टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ लीप ऑफ फेथ कैमिज में आप क्या कर रहे थे यार केम्रिज में आई डेड माय एम इन डेवलपमेंट स्टडीज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और उसके अंदर बहुत अच्छा रहा नोबेल प्राइज़ विनर्स थे उनसे पढ़ा उनसे सीखा कैमरिज में भी इसी तरह मैंने क्रिकेट खेला था और uh, रोइंग की बाकी फ़ुटबॉल खेला हाँ. और बट um, जो है ना अब ऑल केम्रिज की जैसी वाइब जो है ना वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाइब है और उधर लेक्चर्स उधर सीखना तो डिवेल्पमेंट के अंदर मेरा फोकस अब पब्लिक पॉलिसी की तरफ होता जा रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता सी की तरफ ज़िंदगी जाती जा रही थी तो इस वजह से जो है ना इकोनॉमिक्स से अब गवर्नमेंट की तरफ हो गया एंड आई वॉन्टेड टू एक्चुअली वर्क फॉर द जो है एन जी ओज अब्रॉड राइट और मैंने पहले सोचा था कि बाहर की गवर्नमेंट में इन चीज़ों में भी काम किया जा सकता है आई अप्लाइड फॉर लेकिन जो है ये था कि वहाँ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी बट अगेन वहाँ इतना ज़्यादा भी नहीं था right. तो इस वजह से जो है ना बट एक्सपीरियंस एंड किस किस्म की चीज़ पढ़ाते हूँ या डिवेलपमेंट स्टडीज का प्रोग्राम होता है जो कि डिवेलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे वो स की अपनी जो है ह्यूमन uh, कैपिटल उसके साथ साथ आपकी रिसोर्स को इंप्रूव किस तरह किया जा सकता है तो पाकिस्तान इंडिया मेरी स्पेशलाइजेशन इधर थी बट नंदस लोगों की अपने अपने मुल्कों की थी right. तो हर एक एक मुल्क से उनके पॉलिसी मेकर्स उनके प्लानर्स उनके ब्यूरोक्रैट्स वो आए थे सारे के सारे पढ़े थे मैं तो काफ़ी यंग था उस टाइम पर क्योंकि मैं तो सीधा स्टूडेंट आया था बट बहुत सारे मेरे जो बैचमेट्स वो चालीस चालीस साल के और इस तरह के लोग थे और जो है ना सारे के सारे बहुत मोटिवेटेड थे और सब वापस अपने अपनी गवर्नमेंट्स में गए और या किसी एनजीओस बना लिए और ये इसका काम ये था कि हम चेक करते थे कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से थोड़े काम से मैक्सिमम इंपैक्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं हेल्थ एजुकेशन वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पावर चीजों में किस तरह जो है इंटरवीन किया जा सकता है जिससे जो है ना डेवलपिंग कंट्री ऊपर उठ सकती है सो दैट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी राइट नाउ इन पाकिस्तान एज़ वेल राइट एंड सो दैट दिस वाज अ टू ईयर प्रोग्राम This was one year, one year program. One year program. You got done from that program mm. and then you uh, started a job. Again you thought के यार ab maine." <laughs> so you you <laughs> look for development sector didn't work out yeah. or wasn't up to your liking and yeah. then you joined Ernst and Young. Exactly, exactly. So basically what happened is uh, at that time I knew कि CSS करना है और CSS का decide हो रहा था और काफी अब तक मेरे जहन में था कि मैंने government में काम करना लेकिन as I said कि हर चीज़ जो है ना बड़े सोच समझ के rationally करनी चाहिए CSS कैसा exam है जिसके लिए आपको बैकअप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि यार इफ़ इट डजेंट आउट क्योंकि आपको पता है दो बीस हज़ार स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर से दो सौ ने आना है mm. उसमें भी अगर आप टॉप टारगेट कर रहे हैं कोई ग्रुप जो है ना तो इस वजह से आपके लिए एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि रिस्क uh, बहुत ज़्यादा है सी एस एस के अंदर तो इस वजह से right. मैंने जो है ना अपने बैकअप क्रिएट करने के लिए अपना काम करने के लिए ताकि मेरे पास एक जॉब एक्सपीरियंस हो मेरी सी वी के अंदर हो तो आई स्टार्टड वर्किंग और मैंने अप्लाई किया एंड एंस्ट एंड यंग वॉज वन ऑफ द बिग फोर और वन ऑफ द बेस्ट जो है ना प्राइवेट सेक्टर जो है ना कंपनीज़ दैट टाइम और मैंने उधर पे काम शुरू किया और मैंने एक्चुअली uh, तीन महीने में सेवेंटी परसेंट चार्टेड अकाउंटेंसी के एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे really? की पॉलिसी <laughs> <laughs> मैंने तो अपनी तरफ से जो है बैकअप के लिए किया था था ओए भाई ये 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 क्या है है मुझे मुझे डिप्रेशन हो रही उठा ले अच्छा यार हुआ <laughs> ये था कि कि कंपनी की पॉलिसी ये थी कि जो है ना आपने पहले तीन महीने में एग्जाम्स खत्म करने हैं ग्यारह एग्जाम्स होते हैं टोटल right. तो उन्होंने कहा सात एग्जाम्स पहले तीन महीने में हमने खत्म करने हैं फोकस्ड काम वो करना है कुछ कंपनीज होती है सात सात एग्जाम्स लेती है इन्होंने कहा एग्जाम्स एग्जाम पहले खत्म करने हैं और फिर उसके बाद आपने जाना है अब मैं तो वेट आउट कर रहा था तो मेरा जो वेटिंग पीरियड

आप, आपने चले ये तो सोच लिया आपने कहा यार मैंने सी एस एस करना है सो वॉट वॉज द थाट कि मैं अभी पॉज लूंगा जॉब से जाऊँगा सी एस एस दूंगा वापस आ जाऊँगा कीप ऑन वर्किंग वाइल द रिजल्ट कम्स आउट यार नहीं uh, मेरा um, जो आइडिया था डिस्पाइट के हालांकि मेरे अबू को बहुत शौक था कि सीएसएस um, कोई करे और ख़ानदान में हो बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो चाह रहे थे कि मैं ना आऊँ क्योंकि जो है ना अच्छा खासा सेटल्ड था आपको पता जॉब yeah. थी सब कुछ था छोड़ के आना यार दिस वाज 2016 वाउजेंड एंड टाइम अच्छा उसके अंदर ये सूरत हाल हुई कि मैंने कहा कि अब अगर जो है ना यहाँ पॉज करके बाकी चीज़ों में जाता हूँ तो काम ख़राब हो सकता है जो है ना कश्तियाँ जला के जाना है जो भी करना है तो आई एक्चुअली हैड टू पे कॉट अलॉट क्योंकि जो है ना मेरी जितनी सेविंग्स थी क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था बीच में छोड़ के जाने के ऊपर मुझे काफ़ी कुछ पे करना पड़ा अच्छा और जितनी सेविंग्स थी वो मैंने वापस कर दी ताकि जो है मैं जाके सी एस एस देख के आऊँ तो मुल्क के लिए कुर्बानी काफ़ी <laughs> ज़्यादा हो गई तो अनटेंशनली yeah. भी कुर्बानी yeah. काफ़ी ज़्यादा हो गई तो वो यार ये था कि मैंने सोच लिया था सी एस एस अब करना है और उसकी अब मेन जो मेरी रीज़न थी ना जिसकी वजह से मैंने कहा उस टाइम पे जब मैं सोच रहा था दो हज़ार सोलह के अंदर तो वो यार ये था कि मैं उधर काम कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के अंदर आई कंसिडर कि आप बहुत रिप्लेसिबल है right. आप इतनी बड़ी कंपनी है मेरी कंपनी के अंदर मेरी तरह के 500 और बंदे काम कर रहे हैं इस तरह की जो है ना पचास और कंपनियां जो लंडन में काम कर रही हैं मेरा इंपैक्ट बहुत कम है और right. मैं बहुत ज्यादा रिप्लेसिबल हूं तो आफ्टर स्टडिंग सो मच आफ्टर एनालाइजिंग दिस गवर्नमेंट्स से मैंने आपको बताया कि के कैमरेज में और बाकी जगहों के ऊपर अगर मैंने जाके वही काम नाइन टू फाइव का करना है तो मुझे हर बंदे की अपनी ऑब्वियसली प्रेफरेंसेस होती हैं और वो होता है मेरे लिए जो है ना वो चीज़ इतनी लिएफाइंग नहीं थी मीनिंगफुल नहीं थी थी मैं चाहता था कोई ऐसा काम करूँ जिससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो जिससे कोई सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट हो और उसके लिए जो है ना कोई पॉजिटिव चेंज आए कोई चीज़ हो या आप लोगों के लिए एक इंस्परेशन हो ताकि आपने अपनी एक लाइफ से कुछ लोगों तक जो है एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आप जब मैं इंस्टाग्राम और बाकी जगह और सारे जो लोग रीच आउट करते हैं और कहते हैं सर सरग्योर एन इंस्परेशन या जो भी इट इज़ वेरी हम्बलिंग बट ऑन दी अदर हैंड इट इज़ वेरी जो है सैटिस्फाइंग एज वेल क्योंकि मैं यही चाहता था कि मैं जो अपनी जिंदगी जी है जो मैंने घूमा है सीखा है म्यूजिक से ट्रैवल से हर एक एक चीज से उसको किसी न किसी तरह तक लोगों तक पहुँचाऊँ right. और अगर मैं अपनी जिंदगी से और अपनी जो है लाइफ को गुजारते हुए उसको दिखा के जो लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकता हूँ और कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ गरीबों की जिंदगी में जो हम आज भी रोज़ कह रहे होते हैं तो आई थिंक इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं तो आई नेवर लुक बैक इतनी जिंदगी में घूमने फिरने के बाद जो है ना अब मैं कहाँ से कहाँ आ गया वो भी अभी बातें होंगी बट द पॉइंट इज़ के सारे के अंदर जो है ना आई एव नीवर

जो है ना वो थे कि कोई सी एस एस करे जरूर लेकिन ज्यादा लोग कॉशियस थे कि जब मैं सी एस एस का रिजल्ट भी मेरा आने लगा तो उससे एक दिन पहले भी सारे कह रहे थे तो कुछ भी हो सकता है <laughs> वापस भी जाना पड़ सकता है तो जो है ना मैं मैं भी कोशिश करता था लोगों को यही कहूँ कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता कैसा हुआ एग्जाम तो एक्चुअली मैंने तैयारी शुरू भी कर दी थी जब जो है ना मेरा पहली

छोड़ के आनाजस्ट करना पाकिस्तान के अंदर हर किसी जगह के अंदर जाना बलोचिस्तान जाना सिंध जाना केपी जाना हर एक जगह में लोगो से एडजस्ट करना मिलना मिलाना Uh, वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है right. उस बात को सोच के भी जो है एक मुश्किल था डिसीजन बट अल्लाह आई थिंक हैज बेटर प्लान फॉर यू जो है ना और आई माइट नॉट हैव बीन वेरी रिलीजियस इनिशियली बट नाउ जो है ना आई हैव बीन और द रीज़न इज के जो है ना जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिंदगी को किसी और तरफ सोचता था और जो है ना जिंदगी अपना एक कोर्स लेती गई right. और लेते लेते इस जगह के ऊपर ले आई जो शायद मैं अभी एचसन के आप अवैध से बात कर रही हूँ तो ही वुड नेवर हैव थॉट कि चीज़ इस तरह घूम के जो है ना इस तरह आएगी तो लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग

24. 24 and uh, you got it in got in in the first attempt uh, it was my first attempt. <laughs> and, <laughs> my first attempt and he also got the first position by the <laughs> way just, just just throwing it out, out there logo <laughs> say <laughs> topper of CSS 2017 Uh, what was that like? Yeah, it was amazing. It was overwhelming. वेलमिंग मैंने कभी नहीं सोचा था uh, इससे बिल्कुल uh, थोड़े अरसे पहले दैट इज समिंग दैट एम ऑलवेज सेंग है ओनली सेंग है कि जो है uh, मैं उम्रा करने गया right. uh, मैंने जाके जो है सोचा कि यार पता नहीं क्या बनेगा पता नहीं क्या बनेगा तो मुझे जो है ना एक फील आती थी कि यार शायद जो है ना कुछ ऊपर सोचो जो है ना अच्छा hmm. होने वाला बट सी uh, से कैसी चीज़ें आप हमेशा परेशान रहते हैं और right. uh, आप आखिरी दिन तक आखिरी मोमेंट तक आपको ये होता है कि कुछ भी हो सकता है तो यही शायद इसका जो है वो एक्साइटमेंट हुई है ये Oscars की तरह जो है ना अनाउंस <laughs> होता है तो जब खासतौर मेरा रिटर्न का रिजल्ट आया था तो जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ये था कि कुछ भी हो सकता है या आर या पार है तो पहली थी सारा कुछ था एस के एग्जाम्स बहुत सारे आपके सी के रिलेस्ट होंगे उनको पता है एस का एग्जाम दिया तो किसी भी तरफ जा सकता है right. तो उन तक ये बात मैं बता दूँगा जिसने टॉप भी किया होता है yeah. वो शोर नहीं होता आखिरी टाइम तक तो यार वो ये सूरत हाल थी कि मैं बस जो है कमरा बंद कर दिया मैंने कहा कि जो है ना अगर मेरी जो है ना चीख की आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि पास हो गया अच्छा किले so, like, so sort of exactly, exactly. बंद अच्छा। है। आती है कई अच्छा दफा ऐसे होता है की आप अपना इंडिविजुअली नहीं चेक करते आपको लोग भेज रहे होते हैं जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर निकालते हैं अंदर से निकाल लेता है लिस्ट असली में जो है मुझे मिली थी और uh, मुझे उसमें अपना नाम नहीं मिल रहा था और मैं काफ़ी देर तक देखता रहा और मुझे अपना नाम नहीं मिला मुझे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन करना शुरू कर दिया था जब मेरा रिटर्न का था क्योंकि रिटर्न जम्बल डप होता है मुझे नाम नहीं मिल रहा था मेरे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन करना शुरू कर दिया लेकिन जो है मैंने कहा यार पता नहीं होता है कि नहीं होता एक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड ए कराची अभी जो है मिशेल

आपका फाइनल रिजल्ट आता है और और फाइनल पस... रिजल्ट में फिर पोजीशन आती है कि फाइनल रिज़ल्ट में पोजीशन आती है और फाइनल रिज़ल्ट की जो मेरी स्टोरी थी वो इससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो है शायद लोगों को तो नहीं पता इतनी ज़्यादा मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा पता है फ़ाइनल रिज़ल्ट की ये स्टोरी थी कि यार आ, मैं जो हूँ अपने रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था मुझे यह था कि यार जो है ना जो हो अच्छा हो बुरा हो तो इधर ही हो पाकिस्तान हाँ. में हो सारों के सामने तो जो है बट हमारी एक फ़ैमिली का ट्रिप बना हुआ था और वो फैमिली का ट्रिप था दुबई दुबई से अमेरिका जाना था न्यूयॉर्क तो जो है आ, अब वो मैं डिले किया जा रहा था बार बार डिले किया जा रहा था हमारा रिजल्ट हुआ इससे कि कोर्ट की एक स्टे ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट डिले हो गया right. अब वो डिले हो गया था जो कि जो है ना आ नहीं रहा था वो रिज़ल्ट और बड़े अरसे तक अब मैंने अपना प्लान एक दफ़ा महीना आगे किया दूसरी दफ़ा किया तीसरी दफ़ा किया मतलब जो है जो रिज़ल्ट मे में आ जाता है अप्रैल में आ जाता है वो जो है जो आपका इनिशियल रिजल्ट है वो आपका मे के करीब आ जाता है फाइनल ना तो वो आया ही नहीं वो मे हो गया जून हो गया जुलाई हो गया जुलाई का एंड

<laughs> आ, well, के जब मैं उधर पहुंचा जब मैं दुबई पहुंचा तो दुबई आपको पता है, कि चलता नहीं है। right. और, में नहीं चलता, और ये सरप्राइजिंग नहीं चलता उधर सिम मेरे पास थी नहीं, right. इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था एयरपोर्ट का मैं एयरपोर्ट से निकल चुका था उसके बाद मुझे कहा था कि यार इतनी आखड़ हो गई है रिप्लाई करना छोड़ दिया अब उनको मैं क्या समझाऊँगी क्या सुरते हाल अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या है मैंने अपने घर गया, बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इंटरनेट वगैरह कनेक्ट किया कहीं से ढूंढ ढांड के अब मैं कॉल कर रहा हूं पाकिस्तान जो है ना किसी तरह से कि पता लग जाए कोई ना रिजल्ट उस टाइम हाँ। तो रिजल्ट ऑफिशियल नहीं आया था बट सारे ग्रुप के ऊपर हमारा एक ग्रुप था था वो कॉमन कॉमन रिजल्ट के बाद माशाला तो वो जो है ना उसके ऊपर सब अपने अपने लिख रहे थे लेकिन अभी तक किसी ने मेरा लिखा नहीं था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या सुनते हाल है फिर अबू ने कॉल की पता किया बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने आवाज जो सुनी तो बंदा वो हाथ कामते हुए आवाज़ सुन रहा होता है कि उन्होंने कहा आपका बेटा जो है ये अवैध नाम है इसका तो एक तो नाम उसको ना मिले जो है ना तो वो बड़ी मुश्किल से पहली दफ़ा उसने जो है ना बताई नहीं इतनी सस्पेंस के बाद उसने कहा मैं तो सिम नाम कन्फर्म कर रहा था उसको तो फ़ोन बंद कर दिया दो तीन दफा इस तरह जो है ना इतनी एक्साइटेड ऊपर लेके जा जाकर उसने नीचे ख़त्म की अब मैं वैसे ही मैंने कहा यार क्या बकवास है जो मैंने उसको कॉल की मैंने उसको कॉल करके कहा भाई क्या सूर्ते हैं हाले कुछ तो बता दो फिर उसने कहा कि आपका ग्रुप जो है ना वो डी एम जी एम और उसने है। जो है पैस ग्रुप बता दिया आई न्यू कि जो है अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा ग्रुप आ गया बट उसने जो है ना ये नहीं बताया था कि लोकेशन कौन सी है फिर मैं दुबई मॉल गया सिम खरीदने के लिए तो उस मॉल के अंदर मैं गया था मॉल के इंटरनेट मैंने चलाया हुआ था और मॉल के इंटरनेट से एक्चुअली मैंने चेक किया था कि मेरा रिजल्ट क्या है और जब फिर उस टाइम जो है ना मैंने अबू से पूछा क्योंकि उनको पता लग चुका था तो मेरे साथ ही खड़े थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या रिजल्ट आया तो उन्होंने ऐसे ही शुगल में उन्होंने कहा पता नहीं यार ऐसे ही कोई पोजीशन आई है मैंने कहा कुछ क्या पोजीशन आई है तो उन्होंने कहा बस न, जो है ना पहली आई है अच्छा अब मैं क्योंकि उन्होंने इतना कैजुअली बोला था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन्होंने पहला बोल दिया तो मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है फिर उसके बाद मैंने वो एनालाइज़ किया कि पहले <laughs> ही बोल रहा है अब मैं उसमें इतना एक्साइटेड और उधर अरबी खड़े हुए थे अपने चौकों के अंदर तो उनको समझ नहीं आ रही थी <laughs> कि मतलब जो है ये बंदा इतना खुश क्यों है <laughs> ना मैं उन्हें बता सकता था कि मेरा सी स्टॉप कर लिया तो उसके बाद बहुत सारी अकेडमीज़ ने मुझे कहा कि आप वापस आ जाएँ न्यूज़ चैनल्स के इंटरव्यू शुरू हो गए जियो ए ये वो कॉलेज आनी शुरू हो गई काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने उधर जो है ना उधर से टेलीफोन दिए थे right. और uh, जो है ना उसके बाद मैंने अपना ट्रिप कैंसिल नहीं किया मैं अपनी, मैंने क्योंकि फैमिली का ट्रिप है तो एक्चुअली अपना सी के रिजल्ट के बाद का पहला महीना मैं पाकिस्तान में था ही नहीं right. तो जो सारी मैंने इंगेजमेंट और पढ़ाना और करना और इंटरव्यूज और तस्वीरें जो मेरी वर्ल्ड uh, टाइम्स के मैगजीन के ऊपर इतनी मशहूर हुई थी वो तस्वीर जो पाकिस्तान में लगी थी वो कहीं से मैंने कोट पकड़ा था कहीं से टाई पकड़ी थी और दुबई में मैंने तस्वीर खिंचवाई थी किसी फोटो के स्टोर के ऊपर तो दैट इज समथिंग फॉर यू अच्छा जबरदस्त दैट्स बेसिकली अब आप हम पहुंच गए कि जी आपने सी एस एस पास कर दिया यू नो यू गॉट द रिज़ल्ट उसके बाद फिर आपका ज़ाहिर है कि ट्रेनिंग हुई

ऑटोमेटिकली हार्ड एरियाज में इनिशियली स्टार्ट okay. करते हैं जो है ना आपका हार्ड एरिया या बलोचिस्तान होता है या गिलगित बल्तिस्तान होता है right. तो इस वजह से बाई um, डिफॉल्ट मेरा जो है वो बलूचिस्तान जो है वो एलोकेशन um, हो गई बलूचिस्तान एलोकेशन के अंदर काफ़ी डिफरेंट जगहों के ऊपर खुलदार के अंदर बाकी जगहों में मेरी यूटीशिप uh, थी बट मेनली जो मेरी यूटीशिप जहां मैंने सीखा जहां मैंने ग्रो किया और uh, वो गवादर की थी right. और uh, गवादर वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंसर

उधर लोगों के साथ एंगेज करना काम करना उधर बेसिक इशूज थे बट right. uh, गवादर से ज़्यादा uh, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा इधर वो बेसिकली गवादर के बाद जो मेरी एक्चुअल पोस्टिंग हुई गवादर right. वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग उधर सीखना घूमना बीचेस साउथ जिसने भी ट्रैवल करना है तो उसको मैं बता दूं कि मकरान कोस्ट की ड्राइव जो है, जो है वन वन फाइनेस्ट इन दिस कंट्री तो ज़रूर रोड ट्रिप्स उधर करें तो गवादर वाज अमेजिंग जर�

उस एरिया के अंदर देर इज वन और उधर मैंने इंगेज किया अपने जैसे मैंने बताया आपको दाढ़ी रख ली लंबे बाल कर लिया बट उसके साथ साथ उन लोगों से उधर यूथ को एंगेज किया उधर के यूथ की मीटिंग्स बुलाई और हमने इन uh, नट आपको मैं बस चीज़ें बता दूं कुछ कि कुछ लाख के अंदर जो है जो उनके स्कूल्स हैं उसके अंदर डिजिटल uh, प्लेटफॉर्म के ऊपर एजुकेशन स्टार्ट की जिसके अंदर right. जो है ना प्रोजेक्टर्स लगे हैं अभी भी आप कुछ लाख चले जाएँ तो उसके दो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं तालीम फाउंडेशन के साथ जिसके अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हैं और जो है वहाँ से इस्लामाबाद से टीचर्स जो है ना उधर पढ़ा रहे हैं उधर

जो है ना उसको एक लाइब्रेरी कन्वर्ट किया और हमारे लिए लाइब्रेरी होती है कि कोई साइलेंट जगह जाके जा पढ़ लो उनके लिए लाइब्रेरी होती है वही जगह जहाँ से किताब मिलनी है उनको वरना right. लाइब्रेरी no, के अलावा तो उनके लिए पाँच लाख आबादी के लिए इन द फर्स्ट टू मंथ एक लाइब्रेरी अब कुछ लाख की फर्स्ट बनाई सिमिलरली वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पीने का पानी नहीं था right. हमने इन माई टाइम जो मैंने हार्डली उधर Uh, छः महीने गुजारे होंगे उस छः महीने में हमने पाँच फिल्ट्रेशन प्लांट्स बना दिए और दो फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक्चुअली आज इनागरेट हो रहे हैं तो मैं फ़ोन के ऊपर उसकी इनाग्रेशन करूँगा वीडियो के साथ और वर टेकिंग वाटर आउट ऑफ बेसिकली देखो वाटर वॉज अवेलेबल दे है क्योंकि कोयटा के साथ है बट right. इशू उसका है कि क्लीन वाटर नहीं है right. साफ़ नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट्स नहीं है और याद रखे फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स उधर पाँच लगे थे मुशरफ एरा के अंदर और उस मैंने कहा कि okay, वो बंद कब हुए उन्होंने कहा सर जिस दिन लगे थे अगले दिन से बंद है क्योंकि जो है दे वॉज नो ओनरशिप दे वज नो सस्टेनेबिलिटी प्लान के किस right. तरह चलेगा तो मैंने जाने से पहले जब मेरा इस्लामाबाद ट्रांसफर हुआ तो बिठाया सस्टेनेबिलिटी कमेटीज़ बनाई जिसके थ्रू जो है ना हम वो अभी भी काम चलता रहे तो लाइब्रेरी अभी भी चल रही है वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स इज पोस्टेड एज ऐसी कुछ लाख तो इस वजह से मैं जो हूँ कोऑर्डिनेशन um, में रहता हूँ और right. वो एक एरिया है और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो इट वॉज़ वेरी इमोशनल कि उधर के लोगों ने एक रैली निकाली रोकने के लिए कि इसी आपको नहीं जाने देना हमने और वो कहते थे कि जो है ना मैं बलोच पठान सब एक अलग हैं तो आपके साथ हमारी एक अपनाइत क्रिएट हो गई है एंड आई वॉज वेरी मूवड क्योंकि uh, इस uh, पूरी दुनिया घूमने से बैग पैकिंग क्रोएेशिया तो ये तो वो उधर से घूमने से कुछ लाख के अंदर आप रहे इतनी एक्सेप्टेबिलिटी मिली इतना प्यार मिला इतना काम किया आई लर्न ट लॉट देर तो माई टाइम इन कोयटा वज वेरी मेमोरेबल और अभी भी मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं uh, उस एरिया के अंदर के जो है शायद इतने इस्लामाबाद में नहीं होंगे जितने अभी मेरे कोयटा कुछ लाख और uh, नीचे फिर मैंने पूरा बलोचिस्तान ट्रैवल किया तुरबत uh, गवादर ऐसे ऐसे, ऐसे एरियाज जो इंसर्जेंसी हिट हैं उसके अंदर

बलूचिस्तान का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आप जितनी उधर इज्जत दोगे उतनी आपको इज्जत मिलेगी उधर के लोग इस तरह है पख्तून कल्चर भी ऐसा है आ, जो आपका कोयटा साइड के ऊपर है तो इस वजह से मैंने जितना लोगों के साथ मिला उठ के मिलना अफसर का उठ के गले मिलना जो है ना एक इनकमिंग बंदे को दैट इज़ वेरी नॉर्मल देयर पंजाब right. के अंदर अगर आप मिलते हैं तो वो कहते हैं ये किस किस्म का अफसर है जो है ना ये क्यों इतना मिल रहा है तो द पॉइंट इज कि यहाँ का और वहाँ के कल्चर में जो है ना एक बड़ा क्लियर डिफरेंस है बलोचिस्तान और इनकी जो है ना देखो इंसर्जेंसी और जो बाकी चीज़ें हैं एवरी कम्स डाउन टू प्रोविजन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट टू प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू हेल्थ और मैंने यह देखा कि जब आप हेल्थ एजुकेशन और बाकी बेसिक ह्यूमन राइट पर काम करते हैं कोई जो है डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं हर चीज़ ये पंजाबी और प्रोविंश इंटर प्रोविशल जो हमारी राइवलरी है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है टेररिज्म है फॉर दैट केस ये सब कुछ जो है ना वो पॉवर्टी से बहुत ज़्यादा वो निकलता है क्योंकि that. जो है right. ना अगर आपके लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे ना पाकिस्तान में किसी का बच्चा जो है वो uh, आपका तुरबत से उठा के मैं मुल्तान में पढ़ाना शुरू कर दूँगा वो एंटी पाकिस्तान नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर तो वी नीड टू जो है फैसिलिटेट दैट मूवमेंट अमंगस्ट कंट्री एंड अब ऑल डिमिनिश जो है कि uh, uh, क्या है, um, जो, um, है. और right. इसके लिए मैंने uh, almost, जो है 500 से हजार बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है मैंने सी के सेमिनार्स इन वन वेर दिए सी एस एस पढ़ाया लाइब्रेरी के अंदर किताबें सी की भिजवाई ताकि जो है ना सी एस सिविल सर्विस के अंदर वह लड़की आएं तो मेरे पास बलोचि का अभी भी जो भी बच्चा आता है तो उसको प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर उसको करता हूँ क्योंकि ताकि जो है ना एक ओनर

Ah, Kesla is part of course. Right, and then Islamabad. Islamabad. That's your most recent appointment. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Right, and Islamabad. i will in other detail. I'm not going If you guys want to see more about Islamabad, there is a you know a detailed podcast with the DC Islamabad as well. I think will pop up. Basically, <laughs> click on that. But uh, what I want to talk about, talk to you mm. about is that uh, I remember last time I had a discussion with Hina Sikander. I think she's from your batch as well. Mm. Um, and I know that comment section, people have said that why CSIS is talking about this and CSIS is the system is falling apart and that's a, a very active conversation mm. now, nowadays as well, right? Uh. Ke, जो उसमें फिर जो है ना अफसर अपॉइंट करना जो कि टेक्निकली स्पेशाइज नहीं है राइट यू टेक पीपल इन आप उनके जो है ना ऑल दो एग्जाम वगैरह होते हैं बट टेक्निकली स्पीकिंग आप उनको उठाते हैं उनको रैंडमली प्लेस कर देते हैं प्रॉब्लम समझ लें एग्जाम और जो इंटरव्यू पहला उसके बारे में दूसरा जो निज़ाम है कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट होना और उस अपॉइंटमेंट की एफिशिएंसी, ठीक हो गया यार एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए और एक बात जो है ना रियलाइज़ करनी चाहिए दैट इज़ कि आप याद रखो कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर करप्शन है नपोटिज़म है जिसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं right. एक बंदे की जो मोबिलिटी है ना पॉवर्टी ट्रैप से निकलने की जो उसकी ग़ुर्बत से अमारत की तरफ़ जो है आने की जो जर्नी है वो बहुत मुश्किल है ठीक right. है इसके अंदर एक बंदे को हमें याद रखना चाहिए कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है कोई भी बंदा ये बात कहता है तो मैं उसको कहता हूँ कि यार ये सोचो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है कि एक एग्ज़ाम एक एक है जो एग्ज़ाम टू टू मेजर एक्सटेंट मेरीटोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर गरीब का बच्चा पूरे पाकिस्तान से किसी भी एरिया से और हमारे पास जीती जागती एग्जाम्पल्स हैं जो हमल बैकग्राउंड से लोग हैं जो आए हैं जो कि जो है जिनके इस तरह से ताल्लक नहीं थे बाकी चीज़ें नहीं थी और सिंध से बलोचिस्तान से जो है ना डिफरेंट एरियाज से पूरे पाकिस्तान से बच्चे कम्पीट करते हैं कम्पीट करके मेहनत करके एग्ज़ाम की बेस के ऊपर सिविल सर्विस में आते हैं और एग्ज़ाम की बेस के ऊपर पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग सर्कल्स में आते हैं आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इस सारी की सारी जर्नी में बहुत सारी क्वेश्चनेबल बातें हो सकती हैं कि एग्ज़ाम इस तरह हो जाता उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते बट ओवरऑल जो आइडिया है सी का mm. वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एक एसेट है कि गरीब आदमी जो है ना वो मेहनत करके इधर आ सकता है सिविल सर्विस में और वैसे कन्वेंशनलीट आर्ग्यूमेंट सेंस कि भाई मैं कहता कि एक्सपर्टीज आएगी बट mm. अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि एक्सपर्टीज बिल्ड करना बड़ा आसान है फॉर दिवस क्लास राइट लाइक right, like आप true. Uh, essentially, आप यू you नो know, इस पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल जाएंगे फिर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जाएंगे आप इकोनॉमिक्स में या यू नो इंजीनियरिंग में या एक्स वाई जी में आप ये ये सारा करेंगे कंपनीज में भी सारे आपके जाने hmm. वाले हैं आप रेफरल रेफर कंपनी से भी चले जाएंगे फॉर यू टू गेट दैट पोजिशन इफ इट्स ओपन इट्स वेरी वेरी तो फिर गाँव का बच्चा तो कभी भी नहीं, आ सकता नहीं कर सकता यार और वो बच्चा जो झलमकसी से निकला है वो बच्चा जो तुरबत से निकला है वो बच्चा जो सांगड़ से निकला है वो कभी भी जो है ना शायद कंपीट ना कर पाता yeah, right, right, और right, right, right. आज वो इस पोजीशन के अंदर है वो एएसपी लग के वो ए um, सी लग के जो है इस पोजीशन के अंदर है जो एक्चुअली मुल्क, मुल्क की जो है पॉलिसी को इम्पैक्ट कर रहा है एक्चुअली मुल्क की इंप्लीमेंटेशन को इंपैक्ट कर रहा है देखो इसके अंदर भी मैं एक और छोटी पहले तो बल्कि सी की बात करते फिर मैं आगे बात करता हूँ तो सी के एग्जाम के अंदर आई नो uh -huh. के इशूज़ हो सकते हैं आई नो कि जो है बीस बच्चा है दो है इसके अंदर बहुत दफ़ा स्ट्रोक ऑफ लक होता है बहुत दफ़ा ऐसे एग्जाम्स आते हैं और इस चीज़ों को इवॉल्व करना चाहिए हमें हम एफ कोई बात कहते हैं कि आप अपने एग्जामों को ज्यादा एनालिटिकल करें आप right. उसके अंदर के कि पेप्सी बनी कोक का बनी, जो है ना स्प्राइट कप बनी तो ये चीजें ना करें आप उसको ज्यादा एनालिटिकल करें एंड एक्चुअली चेंज हो रहा है एक्चुअली चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोग जो आपके बैचेस के अंदर आ रहे हैं वो अच्छे आ, लोग अट्रैक्ट करके आ रहे हैं इंटरव्यूज़ जो कर रहे हैं वो एनालिटिकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं जिसके अंदर दुनिया के बारे में पूछ रहे हैं आपकी रीजनिंग के बारे में पूछ रहे हैं तभी लोगों को मुश्किल भी हो रही हैं और दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड कि बीस में से चालीस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके बंदे एप्लीकेंट्स बढ़े हैं सी के क्योंकि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बढ़े हैं बट देन दर इज़ ए फ्लिपसाइट टू इट इज़ वेल जो कि हमें एनालाइज करनी चाहिए वो ये है कि इन ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स मैं ये कहता हूँ कि ऑब्वियसली जो है शॉर्ट रन के अंदर दिस इज अ गुड आइडिया एज आई सेट के इंप्रूवमेंट्स होती रहे एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो लेकिन एक बंदे के लिए एक सिस्टम में घुसने के लिए एक बहुत बड़ा रूट है ये जो है ना ऑन द फ्लिप साइड एक लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम बात करें और मैं एक पॉलिसी मैटर के ऊपर बात करूं तो मैंने एक दफ़ा एफ पी चेयरमैन साहब से भी एक्स चेयरमैन थे उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम दुनिया के बेस्ट बच्चे जो हैं पाकिस्तान के बेस्ट बच्चे अट्रैक्ट कर रहे हैं सी एस के लिए मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है बट याद रखें कि किसी भी दुनिया के डेवलप्ड मुल्क के अंदर जो बेस्ट टैलेंट होता है वो बिजनेसेस में जाता है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है प्राइवेट सेक्टर होता है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है प्राइवेट सेक्टर होता है जो पैसा क्रिएट करता है जो इकोनॉमी को चलाता है जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो ब्यूरोसी होती है जो कि एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलती है पाकिस्तान इज अ डिफरेंट कंट्री इन दैट सेंस और ऑब्सली कलोनियल इसके अंदर जो है ना हमारी वो है कि इधर ब्यूरोसी जो है वो इधर न्यूसेंस वैल्यू बहुत मैटर करती है इधर ब्यूरोसी जो है वो एक बहुत स्ट्रांग आपके लिए ये है कि पाकिस्तान में जॉब है तो यही जॉब है मतलब वो वाली बात है right. तो इस वजह से इन द शॉर्ट रन हमें इसको बेहतर करना है हमें अपने सिविल सर्वेंट्स को बेहतर करना है उसको रिस्पेक्ट करना है और सिविल सर्वेंट्स को हमें एक्चुअली एम्पावर करना है कि वो काम कर सकें right. और जो आपको ये एक डिफरेंस मैं बताऊँ तो देखिए मेरे ही साल के अंदर जो मेरी थी मैं मैं एक फॉरेन ग्रेजुएट था बाहर से आया था मैं उसके बाद अदी अकबर साहब हैं जो कि जो है ना एस हैं एंड वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन और जो है उनकी गवर्नमेंट कॉलेज से थी कमाल वो जो है रूरल बैकग्राउंड था उनका उससे पहले उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे मोहम्मद मुर्तज़ा है आ, उनको आप शायद आपने देखा हो तो वो लम से पढ़ा था एच कॉलेज से पढ़ा था तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी इधर से जो है ना तो द पॉइंट इसके बहुत बड़ी वेरियंस है आ, और हर किस्म का बच्चा है और इसी तरह आप ले जाएँ तो हमारे बैच में सिंध से बलोचिस्तान से हर एक, एक जगह से रूरल एरियाज़ के भी लोग थे अच्छे भी लोग थे तो मैं अगर टॉपर बाहर का था या मैं टॉपर जो है फॉरन था तो इससे पहले बहुत सारे नहीं भी थे पॉइंट right. एक ऑपरचुनिटी है अब कमिंग टू पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वेरी क्विकली कि आप निजाम तो ये तो ये सी एस एस की बात hmm. निजाम की अगर हम बात करें तो देखो याद रखें कि हम कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का बात कर रहे हैं हम right. कई दफ़ा अपनी क्रिटिक के अंदर हम रियलिटीज़ को भूल जाते होते हैं mm. क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जिसकी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है देखो हम लोग रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर्स दिन से रात आपको पता है कि अभी भी मैं जॉब से आएँ और इसके बाद भी मैंने चले जाना तो दिन रात हम काम क्या करते हैं ताकि जो है यहाँ की जो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है और उसी तरह से स्टेगन रिसोसेज़ हैं उसमें किस तरह इनको मैनेज करना है और हम right. पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अट्ठाईस साल का उनतीस साल का लड़का आता है जो कि जो है ना इस स्टेज से इतनी बड़ी जो है कुछ लाख मैंने आपको बताया पाँच लाख है उसको चलाना जिरगों को हेड करना जो है ना दोनों साइडों पर मेरे कबीलों के सरदार बैठते थे तो मैं उसको डिसाइड कर रहा होता था अब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ट्रेनिंग है वो आपकी लर्निंग है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करती है लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि इम्पैक्ट हमारा सबसे बड़ी रीज़न डीमोटिवेशन की क्या है हमारी रीमोटिवेशन की रीज़न ये है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी रखते हैं अगर आपको हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन लो और एक्सपेक्टेशन मैनेज रखनी है मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ मैं बेरोक्रेसी में आ रहा हूँ अगर मैं ये सोच के आता हूँ कि यार यहाँ करप्शन नहीं होगी यहाँ जो है ना नेपोटिज़म नहीं होगी यहाँ पोलिटिसजेशन नहीं होगी तो मैं एक जो है यूटोपियन सिनेरियो के अंदर रह रहा हूँ मैं समझ नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान में काम कर रहा रहाँ तो सिविल सर्विस के लिए आपने आना है तो एक मच्योर माइंड से आना है अंडरस्टैंड कि क्या आपकी लिमिटेशंस है अंडरस्टैंड के क्या मसले हैं अगर आप ये सोच के आए कि मैं आ गया हूँ और पूरा मुल्क ठीक कर दूंगा तो ये जो है ना एक माइंड ऐसा है जो आपको डी की तरफ लेके जाता है आपको सिस्टम की बुराइयाँ दिखाने लग जाता है पैसमिज़म की तरफ ले जाता है आपने क्या सोचना है और वो एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ चाहे मैं कुचलाक हों गवादर हों तुरबत हों खुजदार हों या कम हो या बैकली हो सोचता हूं कि यार आप जो है जिस आपके पास जो डोमेन है ना जो आपका जो सर्कल है आप उसके अंदर जितना कुछ भी बेहतर कर सकते हैं मैं एक अपने कुछ लाक में या अभी इस्लामाबाद के अंदर मैं एक नाली एक स्कूल एक अस्पताल एक जो है सड़क ठीक कर दूँ वो उतना ही बड़ी चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए जितना मैं पूरा मुल्क ठीक कर दिया right. और मैं रोज़ की बेसिस पे एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास दस काम आते हैं उसमें से दो में पोलिटिसजेशन होती है आठ में नहीं भी होती Right. वो आठ काम जो गरीब के काम है जो आपके पास आते हैं जो आ, बड़ी मशहूर जो है नासिर दुरानी साहब ने बात कही कि आपके पास वी वी आई पी आएगा और वो वो है जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है जो कि गरीब आदमी है तो वो हमारे पास रोज़ आता है हर, हमारे पास पूरा दफ्तर भरा होता है और उनके जो मैं रोज़ की बेसिस पर काम कर रहा हूँ उनसे मुझे सेटिसफेक्शन ड्रा करनी चाहिए ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं आ गया हूँ तो मुल्क पूरा जो है ना बदल जाएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये एक बहुत बड़ा जो है इम्पेक्ट क्रिएट करती हैं और इसी वजह से ये सिस्टम बुरा है सिस्टम में मसले हैं बट सिस्टम किसने ठीक करना है अगर हम नहीं आएंगे इस सिस्टम में हम नहीं आएंगे और कोशिश करेंगे और ये कोशिश जो है ना इंक्रीमेंटल होगी हम एक एक स्टेप ही लेके कर सकते हैं हम आते ही बदल नहीं सकते बट अपनी तरफ से अगर दिल साफ़ हो आप कोशिश करें आप मेहनत करें तो मैंने चीज़ें बदलती देखी हैं मैंने लोगों का माइंड एक मैंने आपको बताया कि बलोचस्तान के एक ऐसे एरिया जहाँ उनको पता ही नहीं है असिस्टेंट कमिश्नर क्या है और अब जो है उनके लिए एक रे ऑफ होप ही असिस्टेंट कमिश्नर है तो मेरे से अगला आया तो उन्होंने उस पर प्रेशर डाला कि क्यों काम नहीं करते पिछला तो इतना करता था तो एक आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दें तो इस वजह से एक सिस्टम बुरा है बट uh, हम नहीं ठीक करना और right. अगर हम काम करते रहेंगे तो सिस्टम इवॉल्व करेगा और right. इंशाल्लाह जरूर बदलेगा आई थिंक बड़ा ये इंटरेस्टिंग आपने बात बोली कि इंक्रीमेंटल वाली जो बात है ना पर्टिकुलरली बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू इज कि जो हमारे एरिया हमारे स्कोप के अंदर चीज़ें होती हैं हम उसको इग्नोर करते हैं और हम हम कहते हैं कि यार वो बड़ा मसला और वो बड़ा मसला और mm. आखिर में वही आता है कि यार ठीक है बड़ा मसला तो है बट वॉट आर यू डूइंग इन टर्म्स ऑफ और ये पर्टिकुलरली अगर इसका मिसाल देखी जाए तो हमारे घरों के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है Uh, हमारे अपने नेबर्स के बारे में हमारे क्या थॉट प्रोसेस एवरी थिंग जस्ट ट्राइंग टू पुश इट डाउन टू यू नो अदर पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड 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 सो ऑन बट अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि ठीक है सर यू आर नाउ द फोर्टी सिक्सथ कॉमन

आपके एक्सपीरियंस में हाउ हैज इट ज़ाहिर है कि अगर हम इवन प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो बड़ा एक फर्क है यू mm नो -hmm. you know, आपके बूमर्स थे बूमर्स के बाद जेनेक्स और मिलेनियल्स का बिल्कुल दिमाग mm -hmm. फर्क है okay. जेनजी जो अब आ रहे हैं उनको तो मैं भी नहीं समझ पाता सच्ची बातली

ने बहुत चीज़ें बदलती हुई देखी हैं हमारी जनरेशन एक ऐसी डायनामिक जनरेशन जनरली कंसिडर की जाती है जिसको हमेशा चेंज का शौक है जो है ना फिर हम सोशल मीडिया को इंगेज कर रहे हैं हम जो है ट्विटर्स को बाकी चीज़ों को सारी चीज़ों को लोगों से रीच आउट करने की आप कोशिश करते हैं तो दैट आइडिया ऑफ अफसर वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश करने की कोशिश जो है वो चल रही है right. उसके साथ साथ आपके लोग जिनका एक्सपोजर क्योंकि आप दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है तो आज का जो यंग सिविल सर्वेंट है वो उसके पास पूरी दुनिया की नॉलेज है जो शायद जो है हमारे 20 25 30 साल पहले नहीं थी right. हमारा जो माइंड है जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत ओपन टू चेंज है क्यों क्योंकि हमने अपने टाइम में उस स्क्रैच कार्ड वाले जो है ना वो इंटरनेट जिसमें टू टूँ बजता था फोन के ऊपर उधर से ले आज जो है एक स्मार्टफोन जिसके अंदर वाई कनेक्टिविटी है उसके ऊपर हमने जो है ना चेंज आते देखे और रोज की बेसिस पर चेंज होते हैं, हमने अपनी जिंदगी में देखा hmm. तो वेयर वेरी जो है ना यूज well, आ, बिल्कुल and, and हम सिविल सर्विस में भी आते हैं तो हम सोचते हैं यार क्या, हो सकती है? क्या चेंज हो सकती फाइलिंग है? है तो उससे कागजों पर क्यों चल रही है ई e फाइलिंग क्यों नहीं हो रही पीपल आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन थिंग्स इसमें एप्स बन रही हैं पी पोर्टल बन रहा था बाकी चीजें हुई टेक्नोलॉजी um, का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को रीच आउट किया जा रहा है हर एक एक जगह सर हमजा का जो ट्विटर का इतनी बड़ी फॉलोइंग है जिसके अंदर कंप्लेंट जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो रहे हैं दैट इज एन एग्जाम्पल इन इट कि किस तरह लोगों को कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है तो असिस्टेंट कमिश्नर इज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल जिसने उनका काम करना है अगर वो हमारा क्लाइंटेल खुश है तो मैं मैं जो हूँ अच्छा काम कर रहा हूँ right. वो क्लाइंटेल की खुशी जो है वो मैं अगर इस मीडियम से और किसी चीज़ से रीच कर सकता हूँ तो दैट इज़ वेरी गुड और आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया कि हमारी जनरेशन में वो अना वो मसले वो ज़ात बिरादरी वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं क्योंकि हम अर्बन सेटिंग्स के अंदर आए हैं Right. इस वजह से वो डिफरेंशिएशन भी ख़त्म हो रही है लास्टली ये है कि बहुत सारे लोग वेल ट्रैवल्ड हैं बहुत सारे लोग जो है ना कुछ ना कुछ और करते रहते हैं इस वजह से जो है ना एक आइडिया उनका डिफरेंट है दुनिया की तरफ एंड दैट इज़ वाई हर साल आप देखें कि बेहतर से बेहतर लॉट आता जा रहा है सी एस एस काटिंग बट आई फॉर वन आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जिंदगी के बारे में भी सिविल सर्विस के बारे में भी गवर्नमेंट के बारे में भी आई नो एट टाइम्स दैट माइट नॉट बी रैशनल बट द पॉइंट इज़ कि देखो जब आप पॉजिटिव सोचोगे जब आप कोई ambitious टारगेट रखोगे तो आप कुछ अचीव कर सकते हो right. तो आप कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करो अगर आप हमेशा ये बात जिसकी वजह से मैं कभी डिप्रेस नहीं होता या कभी demotivate नहीं होता द रीज़न इज़ के मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो है ना आज जो अभी ज़िंदगी है इसके अंदर ज़रा गुजारें जो है जब मैं कोयटा था तो कोयटा को अप्रिशिएट करें उसके प्रोज देखें रात दिन उसके कॉन्स देखने के बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ नहीं थी जो प्राउली लंडन में थी लेकिन जो है दो हजार पचास से कैसा लगता है यार, I uh, I या देखो सोसाइटी हैज़ टू एवाल्व और सोसाइटी देर इज़ एन रेवल्यूशनरी प्रोसेस आप इतना देखें कि हमारी जो मर्जी हम कहते हैं हमारी पिछली चार गवर्नमेंट्स जो हैं जो आपकी पीपल्स पार्टी से आगे आप ले लो um, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन हुई हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख़ुद ब खुद बदली हैं right. लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ होप आया मुश्किल आ रही हैं बट एक इलेक्टोरल प्रोसेस से उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब right. अगर हमें गवर्नमेंट के साथ इशू होता है तो हम सोचते हैं अगली गवर्नमेंट में हम इसको वी कैन वोट इट आउट यही वो प्रोसेस था जिससे अमरीका एक डेमोक्रेसी बना यही वो प्रोसेस था जिससे वो ओवरनाइट नहीं बने थे वो भी इसी प्रोसेस से गुजरे थे इट वाज अनफॉर्चुनेट कि हमारा जो है ऊपर नीचे रहा हम उस तरह से इवॉल्व नहीं कर पाए डेमोक्रेसीज डिक्टेटरशिप्स एंड दिस दैट बट अब जो है ना वेर ऑन द राइट ट्रैक वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट ट्रैक मैं कहता हूँ इसके अंदर आने दो छोटे मोटे मसले आएंगे या जरूर आएंगे बट इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स हम जो है जुडिशरी हमारी स्ट्रांग हो रही है मीडिया हमारा जो है बढ़ रहा है यूथ जो है हमारा एम्पावर हो रहा है आज मैं और आप बैठ के जो है ना इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं यूथ एम्पावर हो रहा है right. जो कि शायद इतना नहीं था इतना अवेयर नहीं था हमारे जो है लोग अगर पॉलिटिशन कुछ गलत करता है कोई चीज़ होती है वीडियो बन जाती है फ़ॉरन पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है द रीज़न इज़ कि हमारी इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होने लग गई है लोगों के अंदर अफसरों के अंदर एक डर है मैंने कुछ गलत कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा hmm. जो अफसर नहीं है जो लोग हैं उनमें भी डर है ना चीज़ बन जाएगी तो पॉइंट इज के अकाउंटेबिलिटी इवन विदाउट द्वारा मीडिया वो भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है और वन थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर इज बस के हम उसको एक राइट right डायरेक्शन देते हैं सीपेक है या बाकी चीजें हैं हम उसके लोकल लिंकेजेस क्रिएट करें लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और हेल्थ एजुकेशन बेसिक ह्यूमन राइट्स अगर हम दें तो इस मुल्क के अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर तो दूसरी बात नहीं है कि बगैर इन चीज़ों के हम लोग कितना कुछ अचीव कर रहे होते हैं तो सोचोगे ये चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल होती क्योंकि मैं बाहर जाके देखता हूँ कि बगैर जो है क्रिकेट ग्राउंड के हमारे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहाँ जो है ना हर एक बंदा जो है बैठ के पूरी ट्रेनिंग कर रहा है बट नंद पॉइंट के पाकिस्तान इफ इट गोज़ towards the द राइट डायरेक्शन पाकिस्तान जो है ना चीज़ें ठीक चलती रहें जो कि इन शाला मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक चलती रहेंगीज़ यू सेट शायद अब टू थाउजेंड थर्टी कहते हैं मैं इतना शायद ऑफफुल ना होता बट टू थाउजेंड फिफ्टी तक जो है ना वो ऊपर नीचे उपर नीचे ऊपर एक स्टेबिलिटी की तरफ एंड एंड आई थिंक हैव अ ब्राइट फ्यूचर पॉजिटिव पॉजिटिव एवोल्यूशन सो एनर्जी तो है <laughs> uh, <let's see. laughs> <Darwin laughs> ही <गा> <laughs> है <laughs> 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 बट uh, उसी के साथ साथ बड़ा एक एनालिटिकल दिमाग है आई 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 एम प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी के भाई इस तरह का बंदा भी भाई की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के यू 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 नो चोज चोज टू 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 कम पाकिस्तान सर्व द नेशन थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो थैंक यू इट अ प्लेजर एंड एन ऑनर और थैंक यू टू व्यवसाय फॉर वाचिंग वेल राइट थैंक यू सो मच फॉर ऑल यू गाय थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको एपिसोड पसंद आई तो लाइक का बटन दबाई ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी और हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब बटन दबाएंगे आने वाले एपिसोड्स के आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नीचे दी गई हुई एक लिंक है फेसबुक की जिसके ऊपर आप, आप हमारी टी कम्युनिटी कम्युनिटी कम्यूनिटी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, पे आप, आप हमें गेस्ट रिकमेंडेशन इसी के साथ साथ फीडबैक यू नो वी डिस्कस ऑफ डिफरेंट थिंग्स इसी के साथ मैं कुछ आर्टिकल्स भी शेयर करता रहता हूँ आई रीड ऑल योर फीडबैक देयर एज वेल सो यू कैन चेक द आउट बट एनीज दिस यू आर वॉचिंग थॉट बैंड थिंग्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वन